हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकाश प्रसाद। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या बोला है क्वेश्चन में? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 और 3 फॉर सम इंटीजर इन। तो इंटीजर क्या होता है हमारा? कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो कि फ्रैक्शन, डेसिमल और रूट में ना हो। ओके, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। पहले हम लोग ने क्या लिया है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए लिया है और बी इक्वल टू 3 लिया है। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए इक्वल्स टू 3q + r, जहाँ पे हम लोग का जो क्यू है वो जो हम लोग का जो क्यू है उसका वैल्यू क्या हो रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड r का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b। ठीक है, तो आर का वैल्यू हम लोग का क्या क्या हो सकता है? 0, 1 एंड 2। ओके, देन हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन निकाला था ए इक्वल टू 3q + r, यहाँ पे हम लोग एक बार आर इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, नेक्स्ट आर इक्वल्स टू 1, देन आर इक्वल्स टू 2। जब हम लोग r इक्वल्स टू 1 पुट कर 0 पुट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे a का जगह लिखेंगे a 0। तो देखिए, तो a 0 इक्वल्स टू 3q + 0, इट इज 3q, देन इट्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3q² तो इसका स्क्वायर कितना आया? 9q². ठीक है, तो यहीं तक समझिए। ठीक है, देन a 1 में 3q + 1, सेम हम लोग 3q + 1 का स्क्वायर करके इसका वैल्यू निकाला है। इसको होल स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ के हम लोग का आया 3q² + 6q + 1। देन a 2 का क्या आएगा? जहाँ पे हम लोग r का वैल्यू क्या है? 2 है, तो a 2 इक्वल टू 3q + 2, देन a 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 3q + 2 का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ के हम लोग का आया 9q² + 12q + 4। ठीक है, देन अब हम लोग को क्या चाहिए? क्या बोला है? फॉर सम इंटीजर इन। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग क्या किया है? 3 कॉमन लिया है। 3 कॉमन लेने से क्या हो गया? 3 इंटू 3q² हो गया। ये जो पोर्शन बचा है हमारा, इसको हम लोगों ने एम लिया यहाँ पे। ठीक है, तो 3 इंटू m = 3m। देन इस क्वेश्चन में यहाँ ये जो दो टर्म है जिसका क्यू है, जो 1 है वो तो 1 रह गया अलग से, जो क्यू है ये दोनों टर्म में से क्यू, यहाँ पे क्यू है, वहाँ से हम लोग का 3 कॉमन जाएगा। तो क्यू 3 कॉमन जाने से क्या होगा? 6q² + 2q, ब्रैकेट में रहेगा 3q² + 2q + 1। तो ये जो टोटल टर्म है इसको हम लोगों ने एम ले लिया यहाँ पे। दे तो क्या हुआ हम लोग का? 3m + 1। देन यहाँ पे क्या किया था? ये जो 4 है, 4 को हम लोग 3 + 1, 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 1, क्वेश्चन तो 4 ही होता है हम लोग का। तो 3 का 4 का जगह लिखा है 3 + 1, तो यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? 3q² + 4q + 1। ये जो टोटल टर्म है इसको यहाँ पे हम लोगों ने एम ले लिया है, तो हो गया ये हमारा 3m + 1। तो हम लोग को क्या प्रूव करना था? कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। तो देखिए हम लोग क्या आया, a का स्क्वायर क्या आया? 3m, इधर भी क्या आया? 3m + 1,
और इधर सी एन प्लस वन। तो हम लोग का जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। तो यही था हम लोग का सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगा अपकमिंग वीडियोस में इसका आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।